आदाब मीना साहब, आरजेडी की नेत्री हूँ और मेरे पार्टी से जितने लोगों की गठबंधन हुई है मैं उनके लिए हूँ और किसी भी अन्य दल के जितने भी नेता हैं चाहे वो पार्टी के कैंडिडेट हैं मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं महागठबंधन के साथ हूँ और मैं हमेशा रहूंगी। मैं जो लोग भी फेसबुकियां हैं उल्टा पुल्टा जो न्यूज चला रहे हैं मेरे बारे में वो उसको मैं खारिज करती हूँ। सोशल मीडिया पर सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी हीना साहब का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हीना साहब इस वीडियो में राजद की ओर से बोलती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो में उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि मैं राजद की नेता हूं और राजद के साथ महागठबंधन के जितने भी नेता हैं उन सब का समर्थन करती हूं। हीना साहब इस वीडियो में आगे कहती हैं कि उनके खिलाफ जो भी कुछ सोशल मीडिया में चल रहा है मैं उस सब को खारिज करती हूं। हीना साहब के इस वीडियो को राजद समर्थक तेजी से वायरल कर रहे हैं, यहां तक कि बिहार के बड़े बड़े मीडिया संस्थान जो खुद को फर्स्ट भी बताते हैं उन्होंने भी इस वीडियो को लगा दिया है। हालांकि टाउन आज तक अपनी जिम्मेदारी समझता है, हमें लगा कि इस वीडियो की पूरी सच्चाई अपने पाठकों को बतानी चाहिए। तो इसका सच ये है कि ये वीडियो साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है। खुद टाउन आज तक ने भी इस वीडियो को 3 नवंबर 2020 को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। अगर आपको इसकी सत्यता देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल टाउन आज तक के पुराने वीडियो को देख सकते हैं। हमने इस वीडियो की हेडिंग दी थी अफवाह फैलाने वाले पर भड़की साहबुद्दीन की पत्नी हीना साहब। खैर अब सवाल है कि हीना साहब को आखिर ये वीडियो बनाने की नौबत ही क्यों आई। दरअसल साल 2020 के 3 नवंबर को ही सिवान में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हुई थी। इससे पहले ऐसी खबरें आईं कि सिवान में हीना साहब सिर्फ राजद के उम्मीदवारों का समर्थन कर रही हैं, वहीं माले के उम्मीदवारों के समर्थन में नहीं है। इसी के बाद हीना साहब ने ये वीडियो बनाया था। अब करीब 7 महीने बाद हीना साहब के इस पुराने वीडियो को हथियार बनाकर पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि साहबुद्दीन के आखिरी वक्त में राजद के रवैये से हीना साहब और उनके बेटे ओसामा नाराज चल रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि हीना साहब ने सिवान राजद के विधायकों से मुलाकात नहीं की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिवान में राजद के लिए हीना साहब ऑक्सीजन की तरह हैं। उन्होंने अपने बलबूते सिवान राजद की अगुवाई के महागठबंधन को 6 सीटें दिलाई हैं। बहरहाल हीना साहब के राजद से नाराजगी की खबरें उड़ने की वजह से लालू परिवार जरूर टेंशन में आ गया है। अब आपसे अपील है कि फेक वीडियो को शेयर न करें, इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि करने के बाद ही जानकारी लें।